मैट्रिक्स 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, अच्छे से सुनिए एकदम, बहुत ही आसान चैप्टर है बाबू, हाथ को थोड़ा स्टॉप कर लीजिए और अच्छे से समझिए। पहले मैट्रिक्स का टाइप समझिए, समझ पा रहे हैं क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स होता कैसा कैसा है और आखिरकार मैट्रिक्स कहेंगे तो किसको कहेंगे, समझ रहे। सुनिए, इस फॉर्म में अगर लिख दे किसी भी डेटा को, इस फॉर्म में किसी भी डेटा को लिख देंगे तो मैट्रिक्स क्या है, ये बात क्लियर है। अब देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स डिफरेंट टाइप्स का होता है। अगर ऐसे सीधा सीधा लिखा है तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, रॉ मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स, और ये सीधा सीधा लिखा है तो कौन सा मैट्रिक्स, कॉलम। अगर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा है तो रॉ मैट्रिक्स है, इस फॉर्म में लिखा है तो कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स, कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि चारों तरफ बराबर है, माना इधर से भी दो है, इधर से भी दो, इधर से भी दो, इधर से भी दो, देखो इधर से भी तीन, इधर से भी तीन, इधर से तीन, इधर से तीन, इधर से तीन, देख रहे जब सब तरफ बराबर बराबर दिखाई देगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स अब ऑर्डर 2 है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स अब ऑर्डर 3 है, समझ रहे, समझना जरूरी है कि भाई होता कैसा कैसा, ताकि सोल्व करने में सुविधा हो। नल मैट्रिक्स 0 0 0 0 आगे नल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स ये होता है 500 0 5 0 0 0 5, समझ, इसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स का बहुत इस्तेमाल होता है, इसको याद रखना, समझ गए। इसका दो ऑर्डर है, एक है I2 और एक है I3, समझ पा रहे। I2 अगर पूछ लिया तो आपको ये खुद से वैल्यू भरना होगा और I3 पूछ लिया तो आपको ये वैल्यू खुद से भरना होगा, ये दो याद रखना, ये सब में आता है, समझ गए क्या बोले, अपने से लगाना होगा। I2 का होता है 1 0 0 1 1 0 0 और I3 जो होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आपको ये याद रखना, याद रहेगा। इसका क्या है 1 0 0 1, सिंपल बात, 1 0 इसका 100 और फिर 0 10 ऐसे और फिर 0 0 1 0 0, ये लर्न रखना है, समझ गए क्या बोले। I2 1 0 0 1 और I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 100 10 3, हाँ वही याद रख, समझ गया क्या बोले कि नहीं समझ, क्लियर है। अगर I2 का दरकार पड़े तो ये इस्तेमाल करेंगे, I3 का दरकार पड़े तो ये इस्तेमाल करेंगे। अब एक क्वेश्चन हम दिए हैं, समझ रहे, ए का वैल्यू ये है और बी का वैल्यू ये है, पूछे हैं कि ए प्लस बी निकालिए, दूसरा हम पूछे ए माइनस बी निकालिए और तीसरा पूछे 3a + 2b निकालिए और चौथा पूछे 5a - 2b निकालिए, मैंने एक क्वेश्चन में 4 सम पूछे, समझ रहे, प्लस करिए या माइनस करिए, दोनों का तरीका सेम है, हम कर रहे हैं प्लस, आप लोग करिएगा माइनस, समझ गए, प्लस करिए या माइनस करिए, प्लस करिएगा तो प्लस का साइन रहेगा जोड़ा जाएगा और माइनस करिएगा तो घटाया जाएगा, इसमें क्या नया बात बता रहे हैं, तो ये मैट्रिक्स है इसलिए बोलना पड़ रहा, ठीक है, इरेज कर दे क्वेश्चन ये सब, तो ये लोग लिखे हैं, फोटो ले लीजिएगा, सर बाबू हमको लिख पढ़ाने दीजिए, लिख हो गया है, ठीक, सुनिए आप लोग बगल से लिख लीजिएगा चाहे मेरे पास है मेरे कॉपी से लिख लीजिएगा, ठीक है, सुनिए, क्लियर है, बोलिएगा तब ना, क्लियर, आगे बढ़े हम लोग, थोड़ा सा नीचे शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक बार दिखा रहे, चलिए देखिए बोर्ड में, देखिए सभी लोग बोर्ड में देखिए, प्लस करना है, कैसे प्लस करना है, बहुत ही आसान है, आप डायरेक्ट मन में भी कर सकते हैं और प्लस लिख के भी कर सकते हैं, बट प्लस लिख के ही दिखाते हैं ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा, इंग्लिश कर दें। सुनिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या है, पहला सोल्व क्या करना है बताइए, तो ए प्लस बी करना, तो पहले ए का वैल्यू भरिए ना तब ना प्लस करिएगा, ए का वैल्यू है 2 3 6 1 2 3 0 2 4, ए का वैल्यू भरिए और फिर बी का वैल्यू भरिए, बी का वैल्यू कितना है 1 4 5 0 0 7 1 और फिर 1 3 9, यही है, अच्छे से एकदम सुनिए,
प्लस करना है, मतलब क्या हुआ कि दो से वन में प्लस करना है, माने टू प्लस वन, आप डायरेक्ट थ्री भी लिख सकते हैं, आप प्लस भी लिखा सकते हैं, थ्री में फोर को प्लस करना थ्री प्लस फोर और सिक्स में फाइव को प्लस करना, ठीक है ना। हाँ माइनस रह जाएगा, माइनस का साइन होता है घटा देना, माइनस रहेगा तो घटा देना, तरीका सेम रहे। अच्छा फिर वन में जीरो के साथ वन प्लस जीरो, टू के साथ सेवन का, थ्री के साथ वन, आप डायरेक्ट जोड़ के भी लिख सकते हो दो प्लस आठ नौ, समझ रहे। बट आप लोगों को सीखने के लिए दिखाते ना, कभी कॉपी खोल के देखिएगा तो समझ में आएगा हुआ कैसे। जीरो प्लस वन टू प्लस थ्री फोर प्लस नाइन, समझ रहे आप लोग कि नहीं समझ रहे। आप जोड़ लिया जाए द्वारे तीन, तीन और चार छः पाँच, अब माइनस होगा तो माइनस करिएगा, बात करता हूँ वन जीरो वन जीरो का मल्टी टाइम जीरो तुम्हें जीरो वन तेरह समझ आया या नहीं आया, कोई तकलीफ आप लोग ए माइनस बी समझ गए। फिर हम कराएंगे थ्री ए प्लस टू बी और फिर आप लोग करिएगा फाइव ए माइनस टू बी, समझ पा रहे। मैट्रिक्स बहुत ही आसान चैप्टर है, अच्छे समझिए। ये स्कोरिंग है, क्रेमर्स रूल स्कोरिंग है, देखिए 3a प्लस 2b कैसे निकलेगा। 3a माने क्या है, a के साथ 3 का मल्टीप्लाई, और 2b माने क्या, 2 के साथ b का मल्टीप्लाई। तो पहले मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे यहाँ लिख दिए 3 के साथ a का मल्टीप्लाई और 2 के साथ b का मल्टीप्लाई, तो ये सब नॉर्मल मल्टीप्लाई होते हैं, ये जो मल्टीप्लाई होता है नॉर्मल होता है, जैसे 3a 2b इस तरीके का जो मल्टीप्लाई होता है ना साधारण होता है, मतलब मल्टीप्लाई सबके साथ, थ्री सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ होगा इसके साथ होगा, मान टू इंटू थ्री देख रहे हैं, थ्री इंटू थ्री सिक्स इंटू थ्री देख रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, वन इंटू थ्री टू इंटू थ्री थ्री इंटू थ्री देख रहे हैं, जीरो इंटू थ्री टू इंटू थ्री फोर इंटू थ्री ऐसे है, प्लस से प्लस करेगा देख रहे हैं। फिर टू के साथ मैंने टू के साथ सबका मल्टीप्लाई होगा, टू के साथ वन टू के साथ फोर वन के साथ टू फोर के साथ टू फाइव के साथ टू जीरो के साथ टू सेवन के साथ टू वन के साथ टू वन के साथ टू थ्री के साथ टू और नौ के साथ टू हो गया। अब पहले मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो आप कुछ पक पहले समझ लीजिए, उतारिएगा आराम से, दो तीन छः नाइन अठारह थ्री सिक्स नाइन जीरो सिक्स टू आ गया, जीरो जीरो छः आ गया, अच्छा टू एट जीरो चौदह दो छः अब प्लस छ के साथ दो छ प्लस दो नौ के साथ आठ देख रहा, माइनस रहता तो माइनस माइनस रहता तो माने पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर करिए इसको सॉल्व, समझ रहे आप लोग। सिक्स प्लस फोर्टीन नाइन प्लस जीरो प्लस टू छः प्लस छः जोड़ दीजिए, हम थोड़ा स्टेप दिखा रहे हैं आप लोगों को, डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे ताकि कभी भी कॉपी खोले तो आपको याद हो। छः और दो कितना होता है आठ, नौ आठ सत्तर, अठारह दस अठारह, थ्री जीरो थ्री तकलीफ आप लोग करिए ये उतार के, फाइव ए माइनस टू बी मतलब पांच के साथ ए का गुना और टू के साथ बी का गुना, फिर जो आएगा माइनस, सर वो तो गलती की है, जो होगा वन इंटू टू टू होता है ना, सेकंड में जहाँ थ्री लिखे हैं थर्ड लाइन में देखिए, थर्ड लाइन पे इधर साइड इधर साइड इधर साइड वो टेन लिखे ना उसके बाद टू होगा ना, वन इंटू टू टू ठीक है ना, तो नौ आधे ग्यारह हो जाएगा ठीक है, और उसको बनाइए फाइव ए माइनस टू फिर आगे बढ़ते
ये एक और क्वेश्चन दिए हैं, पहले पिछला क्वेश्चन का आंसर बोल दें आप लोगों को। पिछला क्वेश्चन का आंसर कितना? 8, 7, 20, 5, -4, 13, -2, 4, 2 है ना? क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से एकदम। चलिए एक और क्वेश्चन दिए हैं, देखिए इसमें निकालना है ए और बी का वैल्यू कैसे निकलेगा। सुनिए 2012 में क्वेश्चन है, कैसे निकलेगा अच्छे सुनिए बाबू। देखो इधर ए प्लस बी दिया है और ए माइनस बी दिया है, बोला ए और बी का वैल्यू निकालो। तो हम किए कि ए प्लस बी ए माइनस बी को जोड़ लिए, तो इक्वल टू में देंगे तो ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ बैठा दें और ए माइनस बी का वैल्यू यहाँ बैठा दें, प्लस कर। अब सोल्व करिए, सोल्व करिएगा तो ब्रैकेट हटेगा यहाँ का, ए प्लस बी और प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ जोड़ लिया जाए 2 और 5 डायरेक्ट हम जोड़ते हैं ना, तो मजबूत हो गया 2, 4, 6, 0, 0, 0, 2, 5, 7 ये हो रहा ना। और बी बी कटा तो इसका आगे कुछ नहीं किया 1 है तो 1, और इसका आगे कुछ नहीं किया 1 तो 1, 1, 2, 2 तो 7, 6, 0, 7 है ना। अब क्या करेंगे, ए का वैल्यू चाहिए हमें, तो इसको भेजेंगे तो डिवाइड ना आ जाएगा, अभी तो है मैट्रिक्स, तो ऊपर कुछ नहीं किया 1 है, डिवाइड में भेजेंगे तो ऐसे आ जाएगा ना भाई, 2 ऐसे आ जाएगा, तो ऐसे नहीं ले सकते, तो उसके लिए कॉमन 1 ले लेंगे, ऐसे साइड में रख देंगे 1 बाई 2, समझ रहे हैं, डिवाइड में भेजना है, क्यों ए का वैल्यू चाहिए हमको, तो भेजते हैं हम लोग डिवाइड में। सुनिए डिवाइड में भेजते हैं, ये निकालना है डिवाइड में भेजना, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2, 1 बाई 2 कहाँ से आया समझ आ रहा है ना। अब ये तो मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है, तो 1 बाई 2 में सबसे मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू 7 इंटू 1 बाई 2 ना, ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, अभी अभी यही तो आप मल्टीप्लाई किए थे, ये मल्टीप्लाई कर रहे थे आपको, तो कितना हुआ 7 बाई 2, यहाँ कितना हुआ 3, यहाँ 0, ये का वैल्यू आ गया। अब चाहिए हमें बी का, एक का आंसर आ चुका, एक का वैल्यू तो आ चुका, अभी यहाँ में क्या चाहिए बी का, तो पुट कर देते किसी में भी पुट करिएगा तो आ जाएगा अगेन, ए प्लस बी बना लेते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू क्या है 2, 2, 0, 2 यही है ना। ए का मैं क्या चीज़ का वैल्यू चाहिए बी का, ए प्लस में उधर भेजेगा तो आप उसमें भर के निकाल सकते हैं, एक और है ना, आप उसमें चाहे प्लस हो जाएगा आप, तो कोई तो माइनस ए हो गया, ठीक है अब भरते हैं वैल्यू, लेकिन ये तो है ए का वैल्यू कितना है अभी भी निकला, ये निकला है ना, ए का वैल्यू भर दीजिए, तो बी का वैल्यू क्या हो रहा है ना, ए का वैल्यू कितना हो रहा है, अब माइनस करना है, अभी भी माइनस का तरीका सीखा है, इससे इसको माइनस करना है, ऐसे लिख देते हैं जैसे लिखते हैं, और 2 से 3 को कम करते हैं, और माइनस ही तो करना है, 0 से 0 को, और 2 से 7 है ना, तो इसका इक्वेशन क्या 1 है 1, सॉल्व कर ली 1 2 का आंसर कितना होगा 2, 1 से 2 को कितना डिवाइड करेंगे 2 आएगा 2 इंटू 2, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1, 1 से 7, 2 माइनस 3 कितना होगा -0, यहाँ भी वही यही हो रहा ना, तो -3 डिवाइड बाई 2, -1, 0, -3 डिवाइड, यही आया बी का वैल्यू, तो ए का भी वैल्यू आ गया और बी का भी वैल्यू आ चुका, ए का वैल्यू इतना है और बी का वैल्यू, यही तो पूछा किसका वैल्यू निकले, ए का और बी का, ए का और कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ कॉपी करिए।